गुप्ता एक घटिया आदमी है। ये वही आदमी है सलोनी, जो जानता था कि तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन फिर भी उसने तुम्हें अपने घर से निकाला। ये वही आदमी है जो शादी से पहले तुमसे प्रीनुपचुअल एग्रीमेंट साइन कराने वाला था। लेकिन नहीं, इस घटिया आदमी पर यकीन कर लोगी तुम? मुझे उन पर बिल्कुल यकीन नहीं, लेकिन आप पे भी यकीन नहीं है अब। करण, तुम बताओ, मुझे सच बताओ कि जो तुम्हारे डैड ने बोला वो क्या सच है? हाँ सलोनी, ये सब सच है। तुमसे प्रीनप अग्रीमेंट साइन करवाने के लिए मैंने तुम्हारी मॉम को 3 करोड़ रुपए दिए थे ताकि हमारी शादी हो सके। सलोनी, तो इसका मतलब जो भी उन्होंने कहा वो सब सच है? आदमी कौन था और ये सब क्या था? कोई मुझे कुछ बता ही नहीं रहा है। कौन तुम तो बताओ। कौन था? I don't know. ये गुप्ता। गुप्ता, कुत्ता ही पागल। आएगी, everybody's watching. तू बजाक बनकर अब मुझे बता, ये लैला आंटी के बारे में ऐसे क्यों बोल रहा था और ये कौन है? आपने अपनी बेटी को बेच दिया? इतने दिन तक आप तरुण के डैड को गालियां देती रही, उन्हें घटिया इंसान कहती रही। आप क्या है फिर मॉम? इतने दिन तक मैं इस गिल्ट में थी कि मैं शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई, इसीलिए वो मुझसे अपसेट है। उन्होंने हमें घर से निकाला तो मैंने पता नहीं उनके बारे में क्या क्या सोचा, क्या क्या कहा। आपने तो मुझे एक बार भी नहीं रोका, कुछ नहीं कहा आपने। हर बात पे मेरी गलती मत निकालो। सारी गलती इस डरपोक हस्बैंड की है। जब इसके बाप ने प्रीना पेपर साइन करने के लिए कहा था, तब क्यों नहीं फाड़ कर मुंह पर फेंके थे? हाँ, तब क्यों नहीं कहा था कि मैं हर हाल में इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूं? हिम्मत चाहिए। उस वक्त इतनी सी हिम्मत दिखाई होती ना इसने, तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। मैंने तुम्हारे हक के लिए ये सब किया है सलोनी। एक माँ का फर्ज निभाया है मैंने और मुझे ताने दे रही हो तुम। सलोनी, सलोनी, मैं डैड को कैसे मना कर सकता था? तुम जानती हो मेरी बात नहीं मानते सलोनी, वो हमारी शादी नहीं होने देते। और मैं किसी भी हाल में सलोनी तुम्हें खोना नहीं चाहता था। वाह, कितना प्यार जता रहे हो अब तरुण। इस प्यार से जिंदगी नहीं चलती, जिगर चाहिए होता है, हिम्मत चाहिए होती है। हिम्मत की बात आप कर रही है मॉम? मैं दिखाती हूँ हिम्मत किसे कहते हैं। मैं अभी जाके अनंत जी को सब कुछ सच बताऊंगी, फिर देखती हूँ आपकी हिम्मत। सलोनी, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अनंत को अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर उससे ये सब पता चल गया ना, तो वो शादी भी तोड़ सकता है, समझी तुम? जी। अरे अरव, तुम कहाँ थे तब से? डैड, डैड, लड़ाई हो रही है। लैला आंटी सलोनी दीदी के बीच में लड़ाई हो रही है। लैला आंटी सलोनी दीदी से कह रही थी कि अगर वो आपसे बात करेंगी तो आप आने से शादी तोड़ देंगे। डैड, आप शादी नहीं तोड़ेंगे ना? प्लीज डैड, मत तोड़ना शादी, प्लीज डैड। आप मुझे सच बताने से रोक रही हैं मॉम। अनंत जी और आहाना तरुण के डैड को गलत समझेंगे, जबकि गलती आपकी है और इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। सलोनी, इतना स्ट्रेस तुम्हारे बेबी के लिए सही नहीं है। और प्लीज आप दोनों भगवान के लिए चुप हो जाइए, आज आहाना की शादी है। बेबी,
ये मौका इन सब बातों का नहीं, हम बाद में कर सकते हैं। गलती ना मेरी है, मैं हमेशा ना आहना को ही टोकती रहती थी, उसे ही गलत कहती थी, लेकिन वो तो पहले ही आपका सच जान चुकी थी। आपको ना सिर्फ अपनी पड़ी है, आपकी वजह से किसी और को कोई चोट पहुंचे ना उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने फायदे के लिए ना कुछ भी कर सकती हैं। क्या हुआ सलोनी? क्या हुआ है, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ है बताइए, इसे भी सब सच बताइए आज इसे। क्या हुआ है मॉम, क्या किया है आपने? आहना को क्या बताना है, इसे तो पहले से ही पता है ना आहना? सच तो ये है कि गुप्ता को सलोनी और तरुण की शादी मंजूर नहीं थी, और जब मैंने अपने बच्चों का साथ दिया तो उसे लगा कि मैं बच्चों को उसके खिलाफ भड़का रही हूँ। तुम ही बताओ अनंत, क्या मैं अपने बच्चों की खुशी के बारे में नहीं सोचूंगी? तुम्हारे और आहना के लिए भी तो मैंने यही किया है। अब तरुण के डैड को ये बात अच्छी नहीं लग रही, तुम उससे बदला लेने आ गए। पर लैला आंटी, इसमें डैड का क्या कनेक्शन है? वो आदमी तो आपसे गुस्सा है ना, तो डैड 3 साल क्यों की? ये बात गलत है ना? रोश, तू बड़े के मामलों में मत बोलो। नहीं नहीं, इसका हक बनता है अनंत, और ये कोई गलत बात नहीं कर रही है। गुप्ता को अनंत के साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, बहुत गलत किया उसने, इसलिए तो मैंने भी सामने से कोई जवाब नहीं दिया, वरना बात पता नहीं कितनी बिगड़ जाती। आफ्टर ऑल तुम्हारी फैमिली की इज्जत अब मेरी इज्जत है। अनंत जी, हम सॉरी, डैड की वजह से, आई मीन हमारी वजह से ये सब हुआ। मॉम सही कह रही है। अनंत की सब इज्जत करते हैं, इसी बात का फायदा गुप्ता उठा रहा था, तभी तो बार बार कह रहा था कि मेरी प्रेस में बदनामी होगी। पर उन्हें तो ये बात पता थी कि मीडिया इनवाइटेड नहीं है। गुप्ता भी इनवाइटेड नहीं था, आ गया ना वो, और ये जो मीडिया की बात कर रहा था ना, आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि वो खुद जाकर उन्हें ये सब बताए। आज गुप्ता की जीत या मेरी हार, ये तुम्हारे हाथ में है अनंत। मैं चाहती हूं कि यहां आज जो भी है सब जान जाए कि हम सब साथ हैं। किसी में इतना दम नहीं जो हमारी फैमिली को तोड़ सके। लला जी, आपको कहने की जरूरत नहीं, अब हम सब एक फैमिली हैं। मैं तो सलोनी को भी कब से यही बात समझा रही हूं कि ये सब भूल जाओ। चलो हम नीचे चलते हैं, सेलिब्रेट करते हैं सलोनी, आज आहना और अनंत का दिन है। आप जाइए, मैं सलोनी को ले आऊंगी, आप प्लीज सब जाइए। याद रखना ये प्रेग्नेंट, ऐसा कुछ मत कहना जिससे ज्यादा अपसेट हो जाए। याद है। I am really sorry, Anand sir. आज जो कुछ हुआ कहीं ना कहीं उसकी वजह मैं हूँ। I'm really sorry about that. खुद को ब्लेम मत करो तरुण, किसी से प्यार करना, शादी करना गलत नहीं है, लेकिन आज जो हुआ वो गलत था, मुझे भी बुरा लगा। मैं समझ सकता हूँ अपने पेरेंट्स को अपनी नजरों से गिरते हुए देखना किसी भी बच्चे के लिए मुश्किल हो सकता। मेरा इयररिंग कहाँ चला गया? किट्टू को प्रोटीन ढूंढने के लिए। आना तो बिल्कुल सच कहती थी, मैं मॉम को लेके बिल्कुल अंधी थी, सिर्फ वही देखती थी जो मुझे देखना था। अच्छा ठीक है, अब इसके बारे में बात नहीं, नहीं। बात खत्म हो गई। मुझे आज ही सब कुछ जानना है, मुझे सब सच जानना है, पापा की डेथ के बारे में, मॉम के बारे में। देख, अगर कुछ भी ऐसा है जो मुझे नहीं पता मुझे बता प्लीज। देख, मैं बार बार ये झटके बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे एक ही बार सब कुछ बता दे प्लीज आना। Yes, I have cheated. I've cheated on Mura. कोई सुकून नहीं मिला मुझे, घुटन मिली इस रिश्ते में। तो क्या चाहती थी तुम? एक
मर्द चाहती थी मैं। ओल, तुझे सब कुछ तो पता है, मैं क्या बताऊं? हाँ, तू झूठ बोल रही है। नहीं बोल। तू झूठ बोल रही। जब से पापा की डेथ हुई है तू मॉम से नाराज है। क्यों? तब जो भी हुआ था बहुत गलत हुआ था। मैं मॉम को नहीं माफ कर सकती। मैं उनसे बहुत गुस्सा हूँ और हमेशा रहूंगी। बस खुश। लेकिन तू मेरे जैसी नहीं है ना, तू बहुत अच्छी है। और तू मॉम जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। तू गुस्सा नहीं रखती, तू बहुत अच्छी है सलोनी। और ये तो मुझे पक्का पता है कि हमारी मॉम जैसी भी हो तू वर्ल्ड की बेस्ट मॉम बनेगी। आई प्रॉमिस। गुड। अब रोना नहीं, मेकअप खराब हो जाएगा। अच्छा अब मैं नीचे जा रही हूँ, तू जल्दी से फ्रेश अप होके आ जा, ठीक है? रोना नहीं। वो बहुत महंगी इयररिंग्स हैं किट्टू, ध्यान से ढूंढना। नहीं, वो अभी रो तो नहीं रही है, लेकिन तुम जानते हो ना तारुण की वो कितनी सेंसिटिव है। सो प्लीज ध्यान रखना कि आगे से ऐसा कुछ भी ना हो जिसकी वजह से सलोनी फिर से अपसेट हो। तुम कितनी अच्छी मैन हो। I'm proud of you. ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, अब और कितना ढूंढेंगे? अब सब जगह देख लिया, इयररिंग तो कहीं नहीं मिला। हे भगवान, कहीं से इयररिंग टपका दे। मैम का मूड वैसे ही खराब है, अगर इयररिंग नहीं मिली तो पता नहीं क्या होगा। किट्टू, अगर इयररिंग यहीं कहीं गिरा होगा ना तो यहीं मिलेगा, तू परेशान मत हो। हाँ, वैसे बहुत महंगा था क्या इयररिंग? सोने की थी, महंगी नहीं होगी तो और क्या। मैम किसी को बता रही थी कि पूरे 2 लाख की थी। उमा, नसरीन, तुम दोनों जल्दी से रीमा दी के साथ घर जाओ, विदाई होने ही वाली है थोड़ी देर में, गृह प्रवेश की तैयारी करो। जी हाँ। सॉरी किट्टू दीदी, मुझे घर जाना पड़ेगा, मामा की हेल्प जो करनी है। पर आप टेंशन मत लीजिए, इयररिंग मिल जाएगा और जैसे मिले ना आप मुझे कॉल कर देना प्लीज। मैं जाती हूँ। आपके घर की बेटी कितनी अच्छी है। रीमा, आई एम रियली सॉरी, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं खुद को बहुत रिस्पॉन्सिबल समझती हूँ। आई मीन, मैं जानती हूँ मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी इतनी बेइज्जती सहनी पड़ी। आई थिंक यू शुड इग्नोर सच पीपल। खैर, मुझे अब चलना होगा, दूल्हा दुल्हन आने से पहले उनके स्वागत के लिए मुझे घर पहुंचना होगा। वैसे विदाई कब दे रहे हैं आप? बस अभी थोड़ी देर में। तो जाइए, तैयारी कर लीजिए। ओके ओके। करण, गाड़ी निकालो बेटा। पापा की लाडली थी, एक अच्छी बहन, एक बहुत अच्छी बेटी, आई एम श्योर एक अच्छी बीवी भी साबित होगी अनु। या ऑफ कोर्स। आज से ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑफ कोर्स। जस्ट टेक केयर ऑफ हर। ऑल द बेस्ट आहाना, खुश रहना। बी वेरी हैप्पी माय सिस्टर एंड ऑल। कभी भी कुछ शेयर करना हो या किसी की शिकायत करनी हो तो मुझे बुला लेना, आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। मैं तुझे बहुत मिस करती हूँ। मैं भी। I'll miss you too. Shall we? आज के बाद आप मुझे शर्मिंदा नहीं कर पाएंगे। और पता है क्या मॉम, आज के बाद मैं आपके ओझेपन से आजाद हूं, हमेशा हमेशा के लिए। अनंत, एक मिनट। या ऑफ कोर्स। आज मैं बहुत खुश हूं, इतने महीनों बाद मैं इतनी खुश हूं, बहुत खुश हूं मैं आज। आप जानती हैं क्यों? क्योंकि आज से मैं आहाना रायचंद नहीं, अनंत माथुर की बीवी आहाना माथुर हूं। आज के बाद से आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी मॉम। आज के बाद आप मुझे शर्मिंदा नहीं कर पाएंगी। और पता है क्या मॉम, आज के बाद मैं आपके ओझेपन से आजाद हूं, हमेशा हमेशा के लिए।
अनंत साक्षात विष्णु है और आज उसकी लक्ष्मी के घर में आ गए। अब ये परिवार पूरा हो गया। आओ अंदर आओ। कविता, अरे मौसी ढूंढ। अरे कब से चिल्ला रहा हूं यार, बहरी है क्या? क्या हुआ है? तबीयत ठीक नहीं लग रही। अरे बुखार है क्या? नहीं नहीं। अरे बैठी क्यों, लेट जा। मैं लेट जाऊंगी, तू जा। हाँ। अरे मैं लेट जाऊंगी। तो लेट जा, अच्छे से लेट। मैं लेट जाऊंगी, तुम जाओ यहाँ से। और वैसे भी तुम्हें मुझसे बात करना, मेरे साथ रहना अच्छा नहीं लगता। तुम जाओ रोशनी के पास, उसको जरूरत है। सही है यार, तुझसे ना बात करना ना टाइम टाइम वेस्ट करना है। पर चलो जा, बस बस। हाँ ना आंटी, वैसे तो मैं गुप्ता अंकल से कुछ खास प्यार नहीं करता, लेकिन अगर उनकी बात सही निकली तो। थैंक यू। पापा को दो। डैड, मेरा तो देख के ही पेट भर गया। हमारे दिलों और परिवार में आपका स्वागत है। तो आंटी जी, आप उम्र में तो हमसे काफी छोटी हैं, तो क्या आपके पैर छुए जाएं? मेरी जैसे हक कर लो। मैं उम्र में तुमसे छोटी हूँ, लेकिन रिश्ते में तुमसे बहुत बड़ी। लोरियान, अब तुम्हें कोई टक्कर की मिली है जो तुम्हारे बात का जवाब दे सके। हाँ परफेक्ट है, तो दोनों कर लेता हूँ। पहले मेरे पैर छूना। Love you. चलो चलो चलो, अभी सेल्फी टाइम, रियान बैठ जाओ। ऐसे सेल्फी कैसे लेगा, सारे कैसे आएंगे? ना दे, मैं लेता हूँ। मैं खींचूंगा। अरे देना, मैं देता हूँ। मैं खींचूंगा। ले फिर भागो। यार वहां पर चलो जा। आधा कट रहा है, थोड़ा डैड और आने के बीच में आ जा। बस बस। अरे यामिनी जी, आप ही तो आइए पिक्चर में, आपके बिना तो ये फोटो अधूरी रह जाएगी। कम 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 कम। वैसे तो मैं गुप्ता अंकल से कुछ खास प्यार नहीं करता, लेकिन अगर उनकी बात सही निकली तो। सच तो कुछ और ही है जो जो कोई बता नहीं रहा है। और मुझे लगता है कि आना भी सच नहीं जानती। ऐसा आप इतने यकीन से कैसे बोल सकते हैं?
get one thing straight. आना मेरी वाइफ है, उसके खिलाफ कोई कुछ करेगा तो मुझे लगेगा कि वो मेरे खिलाफ कह रहा है, और ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे अपने लोग मेरे खिलाफ हो जाए। सच तो कुछ और ही है जो कोई बता नहीं रहा है, और मुझे लगता है कि आना भी सच नहीं जानती। ऐसा आप इतने यकीन से कैसे बोल सकते हैं? Get one thing straight. आना मेरी वाइफ है, उसके खिलाफ कोई कुछ करेगा तो मुझे लगेगा कि वो मेरे खिलाफ कह रहा है, और ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे अपने लोग मेरे खिलाफ हो जाए।